वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ फ्लेम अरेस्टर्स। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्लेम अरेस्टर क्या होता है, उसका क्या काम होता है, उसको किस तरीके से लगाया जाता है और उसको लगाने के हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, मैं वहां पे उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे जाके उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बेसिकली हम बात करते हैं कि फ्लेम अरेस्टर होता क्या है। फ्रेंड्स, फ्लेम अरेस्टर बेसिकली इट इज अ डिवाइस दैट इज फिटेड टू द ओपनिंग ऑफ अ एनक्लोजर। ये किसी एनक्लोजर की या तो ओपनिंग में रहता है या फिर कनेक्टिंग पाइपलाइंस में रहता है किसी एनक्लोजर की। और फ्रेंड्स, इसका काम यह रहता है, इट अलाउज गैसेस और लिक्विड्स को ही अपने थ्रू पास होने देता है, बट इट प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ फ्लेम। बट ये अपनी तरीके से, अपनी तरफ से ये कभी भी फ्लेम को अपने से पास नहीं होने देता है, टू प्रिवेंट अ लार्ज फायर और एक्सप्लोजन। और ये बड़े फायर या फिर एक्सप्लोजन से हमें बचाता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, हम सब केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हमें हमारे पास में एक हैजार्डियस केमिकल्स रहते हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जितने भी आपके स्टोरेज टैंक्स होते हैं या फिर आपके जो भी कनेक्टिंग लाइंस होती हैं, कई बार आपने देखा होगा कि उनके बीच में फ्लेम अरेस्टर्स लगाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका बेसिकली रीजन ये रहता है कि हम किसी फायर या फिर किसी एक्सप्लोजन को बचाना चाहते हैं। जहां पे भी मेरे रिस्क होता है कहीं से भी फायर होने का, मतलब जहां पे भी मेरे काफी ज्यादा लो फ्लैश पॉइंट केमिकल्स स्टोर रहते हैं, वहां पे हमेशा मैं फ्लेम अरेस्टर इंस्टॉल करता हूं एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। इन ऑपरेशन विथ कंबस्टिबल गैसेस, फ्लेम अरेस्टर्स हेल्प इन मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ फायर एंड दस लिमिट्स द इम्पैक्ट ऑफ एन एक्सप्लोजिव इवेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेन यूज प्रॉपरली, अगर इनको हम प्रॉपर तरीके से यूज करें फ्लेम अरेस्टर्स का, तो ये बड़े से बड़ा डैमेज बचा सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो या फिर ह्यूमन लाइफ का हो। सो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा कि फ्लेम अरेस्टर्स केमिकल इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, बट आपको उन्हें प्रॉपरली इंस्टॉल करना है और प्रॉपर उनका मेंटेनेंस रखना है। नाउ फ्रेंड्स, हम बेसिकली बात करते हैं दैट व्हाई टू यूज फ्लेम अरेस्टर्स। सो फ्रेंड्स, फ्लेम अरेस्टर्स को क्यों यूज करना चाहिए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेंजर्स जो भी इन्वॉल्व रहते हैं विद द ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स में, वो होता है आपका इग्निशन ऑफ फ्लेमेबल वेपर, जिसकी वजह से भयानक आग लग सकती है या फिर इवन एक्सप्लोजन तक हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सो उससे बचने के लिए हमारे पास में सबसे इफेक्टिव तरीका है यूजिंग अ फ्लेम अरेस्टर। सेकेंड, एक्सीडेंट, अगर कहीं पे एक्सीडेंट इग्निशन होता है किसी भी फ्लेमेबल मिक्सचर का, एक्सीडेंटली जो हमने प्लान नहीं किया और सडन अपने आप हो जाता है, इन दैट केस अगर हमारे पास में आपका फ्लेम अरेस्टर लगा हुआ है तो वो उसको बिल्कुल कंट्रोल वे में कर देता है और उसके इफेक्ट को ज्यादा नहीं बढ़ने देता है। थर्ड वन इज इन अ एनक्लोज्ड स्पेस, अगर कोई एनक्लोज्ड स्पेस है और उसके अंदर कोई फायर या कुछ होता है तो वहां पे क्या सडन आपका प्रेशर बढ़ जाता है, बिकॉज वो आपकी प्लेस पूरी की पूरी एनक्लोज्ड है। सो फ्लेम अरेस्टर क्या करता है, ये बेसिकली आपका सडन प्रेशर ड्रॉप करवाता है, जिसकी वजह से आपका जो फ्लेम वहां से अगर बाहर की तरफ निकलती भी है तो उस फ्लेम का जो होने वाला इम्पैक्ट होगा, उस फ्लेम फ्रंट की वजह से जो होने वाला इम्पैक्ट होगा, वो काफी ज्यादा हद तक रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड, फेलियर टू स्टॉप अ फ्लेम कैन रिजल्ट इन कैटास्ट्रोफिक डैमेज टू द इक्विपमेंट, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। और फ्रेंड्स, अगर मीन सम फ्लेम अरेस्टर नहीं यूज करते हैं और कोई भी छोटी सी भी फायर होती है तो काफी ज्यादा चांसेस ये रहते हैं कि अगर फ्लेमेबल केमिकल से, तो वो फायर इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि वो लॉस ऑफ प्रोडक्शन, लॉस ऑफ इंजरी, इवन इट हैज अ पोटेंशियल टू डैमेज कंपनीज रेपुटेशन ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीजें रहती हैं, बेसिकली इन सबको हम बचा सकते हैं यूजिंग प्रॉपरली अ फ्लेम अरेस्टर ओनली। नाउ फ्रेंड्स, हम बेसिकली बात करते हैं फ्लेम अरेस्टर्स का वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है। सो फ्रेंड्स, फ्लेम अरेस्टर्स का बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ये रहता है कि ये रिमूव करता है हीट को आपका जो भी फ्लेम आ रही होती है उससे। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि फ्लेम अरेस्टर बेसिकली आपकी फ्लेम के साथ में जो भी हीट आ रही होती है, ये उस हीट को डिसिपिएट कर देता है, वो ये उस हीट को यहाँ पे रिमूव कर देता है और उस हीट को ये आगे ट्रांसफर होने ही नहीं देता है, जिसकी वजह से आपका
जो फ्लेम अरेस्टर है वो फायर को प्रिवेंट करता है। अगर इसके बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो फ्रेंड्स एक हाउसिंग होती है इसकी, ये देखिए ये आपकी हाउसिंग है, ये पूरी हाउसिंग हो गई। आफ्टर दैट एक एलिमेंट, ये मेन एलिमेंट है जो आपका काम करता है। एंड कनेक्शंस, और बाकी जो आपके ने दोनों साइड से कनेक्शंस किए, ये नॉर्मल टू सिक्योर इट टू पाइप वर्क और इक्विपमेंट। जो मेन एलिमेंट होता है फ्रेंड्स आपका फ्लेम अरेस्टर का, वो होता है ये कंपोनेंट जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं। इस एलिमेंट में फ्रेंड्स आप देखेंगे तो छोटे 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 सीरीज से इस तरीके के फिल्टर्स जैसे लगे रहते हैं। फ्रेंड्स इन फिल्टर्स का काम क्या रहता है, जो आपका जो उधर से फ्लेम आपकी आ रही है, ये उस फ्लेम को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से क्या रहता है आपके फ्लेम के अंदर जो भी हीट एनर्जी है वो सारी की सारी हीट एनर्जी बेसिकली इस रीजन में आपका डिसिपिएट हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स द फ्लेम फ्रंट इज ब्रोकन डाउन इन द फिल्टर, ये जो फिल्टर लगा हुआ है इसमें आपकी जो ये देखिए फ्रेंड्स ये आपके अंदर छोटे 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 बिल्कुल फिल्टर्स रहते हैं। जब फ्लेम फ्रंट होता है इज ब्रोकन डाउन इन द फिल्टर्स इनटू द स्मॉलर फ्लेम व्हिच आर कूल्ड बाय द लार्ज हीट कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट दस एक्सटिंग्विशिंग द फ्लेम। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो आपकी फ्लेम आती है उसमें काफी ज्यादा हीट होती है, बट ये आपका एलिमेंट जो मेन यहाँ पे लगा हुआ रहता है इसके अंदर छोटे छोटे फिल्टर्स रहते हैं, तो वो फिल्टर क्या करते हैं उस बड़ी फ्लेम को छोटी 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 फ्लेम्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो हीट एनर्जी है वो आपकी वो डिसिपिएट हो जाती है और वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, ताकि उसका जो भी आगे पड़ने वाला इंपैक्ट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल रहता है। सो फ्रेंड्स आपका इसी एलिमेंट की वजह से आपका जो फ्लेम है, अगर हाई प्रेशर की फ्लेम रहती है तो उसमें काफी ज्यादा सडन प्रेशर ड्रॉप भी हो जाता है। सो फ्रेंड्स ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है आपका फ्लेम अरेस्टर का। सो फ्रेंड्स होप आपको फ्लेम अरेस्टर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको पिछली स्लाइड में बता रहा था, ये देखिए फ्रेंड्स जो फ्लेम आपकी ये बेसिकली हाउसिंग हो गई पूरी, जो फ्लेम आपकी अंदर इनकी फ्लेम अरेस्टर बेसिकली क्या करता है उसने उस फ्लेम को, ये देखिए फ्रेंड्स ये जो मैं आपको बार बार बता रहा था फिल्टर, ये देखिए फ्रेंड्स ये फिल्टर्स बेसिकली इस तरीके के रहते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स ये इस तरीके के फिल्टर्स रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो आपकी एक सिंगल फ्लेम आ रही थी ये फ्रेंड्स क्या करते हैं उस फ्लेम को छोटी 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 फ्लेम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स जैसे ही वो फ्लेम छोटी छोटी फ्लेम्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है तो जो उसकी हीट एनर्जी होती है उसकी हीट एनर्जी काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। और जैसा कि आपको पता है फायर ट्रायंगल में ये तीनों की तीनों चीजें होना जरूरी रहती है, तो अगर टेम्परेचर कम हो गया तो आपकी फायर होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स इस डायग्राम में बेसिकली मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि किस तरीके से आपका फिल्टर्स काम करते हैं। सो फ्रेंड्स होप अब आपको फिल्टर की वर्किंग बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आपके फ्लेम अरेस्टर्स रहते हैं उसमें आपका जो मेन हमारा फेनोमेना काम करता है वो हम हीट एनर्जी फ्लेम की कम कर देते हैं, बिकॉज फ्रेंड्स हमने रास्ते में फिल्टर्स लगाए तो जो हमारी बड़ी फ्लेम आ रही थी उस फ्लेम को हमने छोटी छोटी फ्लेम्स में डिवाइड कर दिया, और जैसे ही फ्लेम हमारी छोटी छोटी फ्लेम्स में डिवाइड हुई और रास्ते में मेरे आपके जो भी हीट है वो बेसिकली आपका मेटल में कंडक्ट होकर वो हीट वहां पे ही खत्म हो जाती है, तो जो आगे अगर हीट ट्रेवल भी करती है तो वो इतनी कम होती है कि किसी भी तरीके से फायर होने के चांसेस नेग्लिजिबल रहते हैं। ऑल द फ्लेम अरेस्टर्स आर डिजाइन टू अलाउ ओनली गैसेस टू पास थ्रू इट व्हाइल प्रिवेंटिंग द फ्लेम्स और स्पार्क्स, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ फ्लेम अरेस्टर्स की, तो फ्रेंड्स इनको बेसिकली चार तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, एंडलाइन फ्लेम अरेस्टर्स, इनलाइन फ्लेम अरेस्टर्स, प्री वॉल्यूम फ्लेम अरेस्टर्स एंड हाइड्रोलिक फ्लेम अरेस्टर्स। फ्रेंड्स इन चारों के बारे में मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं एंडलाइन फ्लेम अरेस्टर्स। सो फ्रेंड्स एंडलाइन फ्लेम अरेस्टर्स को बेसिकली एंड ऑफ अ पाइपलाइन या फिर वेसल्स की वेंट में बेसिकली लगाया जाता है, और इट इज बेसिकली यूज्ड ताकि अंदर से अगर कोई फायर होती है तो वो बाहर ना पहुंचे और बाहर से कोई भी होने वाली फायर आपका वेसल के अंदर ना आ सके। सो फ्रेंड्स ये यूज होता है आपका एंडलाइन फ्लेम अरेस्टर्स का। नाउ फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन इनलाइन फ्लेम अरेस्टर्स। फ्रेंड्स इनलाइन फ्लेम अरेस्टर्स बेसिकली दो लाइंस के बीच में लगाया जाता है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं डायग्राम, ये देखिए फ्रेंड्स ये इधर से लाइन आ रही है, इधर से एक लाइन है, बीच में आपने फ्लेम अरेस्टर लगाया। दे आर फिटेड इन पाइपिंग सिस्टम्स टू प्रिवेंट डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट्स।
डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए इन्हें लगाया जाता है। ये एक तरफ से, दूसरी तरफ ये किसी भी साइड से दूसरी तरफ फ्लेम को जाने से हमेशा रोकती हैं, और वो एक डायरेक्शन से अगर फ्लेम आएगी तो वो उसके दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाने देगी। इनलाइन फ्लेम अरेस्टर्स कैन बी आइदर डिफ्लेग्रेशन और डिटोनेशन अरेस्टर्स भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किसको किस तरीके की कंडीशन में यूज किया जा रहा है। फ्रेंड्स हम बात करते हैं थर्ड वन, प्री वॉल्यूम फ्लेम अरेस्टर्स। फ्रेंड्स प्री वॉल्यूम फ्लेम अरेस्टर्स को बेसिकली अगर हमने कहीं पे कोई वॉल्यूम किसी फ्लेमेबल मटेरियल का स्टोर करके रखा हुआ है तो हम उसके वेंट में इसको यूज करते हैं। फ्रेंड्स इसको बेसिकली डिजाइन किया जाता है, ये आपने काफी कम यूज में देखे होंगे, बट इवन मैं आपको बता देता हूं, दे आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट सिस्टम्स इन विच फ्लेम मे स्टार्ट विद इन अ कंटेनर हुज क्रॉस सेक्शन एरिया इज समवट लार्जर देन द फ्लेम अरेस्टर एलिमेंट और वेंट पाइप एंड डिजायर टू प्रिवेंट द फ्लेम फ्रॉम लीविंग द कंटेनर। फ्रेंड्स अगर कहीं पे ऐसा चांस है कि मेरे कंटेनर के अंदर किसी भी तरीके की फ्लेम प्रोड्यूस हो सकती है तो इसको बेसिकली आइदर मैं वेंट में यूज करता हूं या फिर आपका और किसी जो उसे कनेक्टेड पाइपलाइन है वहां पर यूज करता हूं। बट फ्रेंड्स इसका मेन काम यह रहता है कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी स्पार्क जनरेट होता है तो ये उसको बाहर ना आने दे। सो फ्रेंड्स ये होता है बेसिकली प्री वॉल्यूम फ्लेम अरेस्टर्स। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक फ्लेम अरेस्टर्स। सो फ्रेंड्स हाइड्रोलिक फ्लेम अरेस्टर्स बेसिकली क्या करते हैं, दे ट्रैप सम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग इन अ पाइप सो दैट द गैसेज मे बबल थ्रू इट बट एनी फ्लेम इज बींग एक्सटिंग्विश्ड। सेकेंड हाइड्रोलिक फ्लेम अरेस्टर्स ये बेसिकली वाटर को कंटेन करते हैं जिसका जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन किया जाता है। सिमिलरली गैसेज मे बबल थ्रू इट बट एनी फ्लेम विल बी एक्सटिंग्विश्ड। दिस टेक्निक इज पर्टिकुलरली सुटेड टू अ डर्टी गैस फ्लो विद पर्टिकुलेट मैटर एंटरिंग विद इन इट। फ्रेंड्स ये भी आपने काफी कम यूज में देखा होगा हाइड्रोलिक फ्लेम अरेस्टर, बट इवन आपको हल्का सा इसका नॉलेज होना जरूरी होता है। सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि एजिटेटेड थिन फिल्म इवेपोरेटर क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है। सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।